हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड स्टडी बाय दानिश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग जानते हैं जो रूस के शासक को यानी कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि श्रमिक वर्ग का भी हुआ है, मध्यम वर्ग का भी हुआ है और कृषक वर्ग का भी हुआ है, यानी कि इन तीनों का हुआ है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पूंजीपति वर्ग के द्वारा इन सभी का क्या हुआ है, शोषण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशम मार्ग। कौन से मार्ग में, रेशम मार्ग, ये प्राकृतिक मार्ग था। ठीक है दोस्तों, रेशम मार्ग में होता था, यानी कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाइबल की। किसकी, बाइबल की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी को। किसको जाना जाता है राष्ट्रपिता के नाम से, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य वर्ग। कौन से वर्ग, मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघ राज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है, किसमें यह चीज़ बताई गई है जो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना में बताई गई। किसमें बताई गई है, प्रस्तावना में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को ही क्या कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूचियों में भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीन सूचियों में। कितनी सूचियों में? तीन सूचियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी लोकतंत्र में इनमें से कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमशेदपुर। कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। अभी तो वो झारखंड का पार्ट है, लेकिन जब अविभाजित बिहार था, बिहार बिना बटा हुआ नहीं था, तो इसमें क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, यानी कि जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में। किसमें है? राजगीर में। तो रज्जू राजगीर एक ही तरह का शब्द लगता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में रज्जू मार्ग है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर बिहार के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ झील स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय जिला में। कांवड़ झील कहाँ पे स्थित है? तो बेगूसराय जिले में। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमांत सड़कें, ये सड़कों का कोई वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकसित। क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादन। मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रोलियम। क्या है ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोका कोला। थम्सअप को किसने खरीद लिया है? तो कोका कोला ने थम्सअप को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से अधिक
हानि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी को, यानी कि फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी को, यानी कि इनमें से सभी को बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना, इससे क्या हो जाता है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। यानी कि आग से जब जल जाता है तो उससे उसमें किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठंडा पानी डालना चाहिए। कौन सी पानी, ठंडा पानी डालना चाहिए जहाँ पे आग से जल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, ना कि भूकंप केंद्र। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांप्रदायिक दंगे, क्योंकि ये मानव ही करते हैं। जबकि महामारी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे भी होगा और आतंकवाद भी होगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में किसी एक ही ऑप्शन को टिक लगाना है, एक ही ऑप्शन उसमें से सही होगा, बाकी ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ रहेगा, या फिर तीन ऑप्शन सही रहेगा और डी में लिखा हुआ रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो आंसर सही हो रहा है, यानी कि सांप्रदायिक दंगे भी है और आतंकवाद भी है, ये मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस यहीं तक। तो इसमें से हम लोगों ने 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो कि आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों इनमें से हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।